चंद्रान गुट्टे से मोहम्मद फैयाज सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे घर पे जो है ना तकरीबन 6 महीने से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर पे। इतनी गलीज औरत है, जो इतनी गलीज औरत है हमारे वालदा पे हाथ मार के जो है ना मुंह छोड़ रही है, खून निकला मेरे वालदा को, मेरे घर वालों को मारे और बस्ती में इतने झगड़े इतने बेदर्दी, मेरे को चप्पल उठा के मारे, मेरे खतरे फेंक के मारे, इतने लड़ाया करे यहाँ पे, इतने झगड़े करे, झगड़े करने के बाद बस्ती वाले पूरे मिलके जो है ना बोले कि जो है ना फैयाज आप इतना खामोश कहीं को बैठ रहे, आप क्या जरूरत है इतना खामोश बैठने की, इतना उनको हकालो यहाँ से, हकालो यहाँ से, बोले कितना बोले तो मैं 5-6 बार 7 बार कितनी की बार लड़ाई हुई, हर महीने 5-6 बार, हर महीने में 5-6 बार लड़ाई होती थी, लड़ाई हो तो मैं खामोश बैठ जाता था, जान दे भाई इनको सीधा सीधा भिजा देंगे। अब ये बीबी क्या चाह रही थी, पूरे पैसे मेरे को 5 लाख रुपए पूरे मेरे को होना, शोहर भर रहे मेरे मेरे नाम पे बॉन्ड पेपर है मेरे को देना। बीबी इतना झगड़ी, हर रात में जो ना अलग अलग तरह तरह के लोग गलीज गलीज लोग आते थे, जब बोले जब आते थे घर में जाते थे और हम एक फैमिली को घर दिए थे, मगर यहाँ पे जो ना 4-4, 3-3 फैमिली को लाके घर में 15-20 जनों को रखे, बकरियां पाल रहे, मुर्गियां पाल रहे, इतना तकलीफ दिए गली वालों को, बस्ती वालों को, पूरे गली वाले बस्ती वाले मिलके जो है ना पुलिस कमिश्नर ऑफिस को, डीसीपी ऑफिस को जो है ना कंप्लेंट लिखे, एसीपी ऑफिस को कंप्लेंट लिखे, गुट्टा पीएस को कंप्लेंट लिखे, ये देखिए पूरे गली वाले बस्ती वाले मिलके जो है ना ये कंप्लेंट लेटर लिख के दिए पूरे बस्ती वाले मिलके, ये बस्ती वालों के देखिए सिग्नेचर से पूरे एक्नॉलेजमेंट हम जो है ना जाके पीएस से जो है ना ले लेके आइए, ये जो ना बहुत हमारे इतनी तकलीफा दी है जो है ना हमारे वालदा कुमार से फोटो भी ये देखिए, खून लिखना मेरे वालदा कुमार के, देखिए खून निकला मेरे वालदा को मारे, इतना मारे कि जो है ना बहुत एकदम इतनी तकलीफें दिए मेरे वालदा को मारे। दे रहे हैं आपको घर, इनको इनको घर दे के जो है ना मैं 2 साल का एग्रीमेंट बना के रेंट पे इनको घर दिया था, एडवांस जो है ना मैंने थोड़ा बढ़ के लिया था, मैं बोला कि जो है ना आपको कभी भी पैसे होना तो बोल दो आपको, मैं एनी टाइम पैसे दे देता हूँ अगर आप जरूरत पड़ी तो। एग्रीमेंट कौन करे थे आपको? मेरे को एग्रीमेंट उनके शोहर एग्रीमेंट करे थे, उनका नाम है अब्दुल रहीम है उनका नाम, दोनों सऊदी अरब में रहते हैं, एग्रीमेंट के टाइम पर उन्होंने यहाँ थे सिग्नेचर वगैरह कर लिए, सऊदी उन्होंने चले गए, सऊदी जाने के बाद में 2 महीने के बाद में ये औरत जो है ना लोगों को इनको उनको ला के रख ली, लड़ाई झगड़े रातों में लोग आ जाना गली में परेशान कर देना, मेरे वालदा को मारना, पूरा घर कब्जा कर लेना, उनके पूरी नीयत थी इससे तंग आ गई थी, बस से तंग आ गई उससे हम लोग बोले भाई इज्जत से हम देना चाह रहे हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाह रहे, बस्ती वाले पूरे मिलके जो है ना सिग्नेचर्स करके जो है ना पूरे बस्ती वाले सिग्नेचर्स करके जो है ना इनके लिए घर देखे, पास में घर देख के जो है ना उनका पूरा सामान हिफाजत से पूरे बस्ती वाले मिलके जो है ना वहाँ पे रख दिए, आपके पैसे जो है जो भी है आप ले लीजिए हमारे से, आपके जो पैसे हमारे से ले लीजिए, आपको घर पूरा बस्ती वाले मिलके खाली करके इनको पास में घर देखे, वहाँ पे उनका सामान शिफ्ट कर दिए, पूरे उनके पैसे हम देने के लिए तैयार है, हम लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाह रहे। तो करने की वजह क्या है? यहाँ पे परेशानी, रातों में रोज नया आदमी घर को आना, पी के खा के तमाशा करना, गेट खुली रख देना आधी रात को, रोज खोल देना, हमारा भाई रात में ड्यूटी से आने के बाद गेट लगाने के बावजूद भी हम बोले देखो आपके पास भी लेडीज है, आपका शोहर बाहर रहता, हमारे पास भी लेडीज है, मैं भी ड्यूटी पे से कभी देर कभी जल्दी आता हूँ, आप गेट लगा के रखो बोल के हम 1-4 बार बोले हम लोगों को समझा के, फिर भी गेट खुली रखे तो आप ऐसा गेट खुली नको रखो, जो भी है देखो लेडीज है कैसा अच्छा बुरा वक्त चल रहा आजकल, कहीं कोई सा खुला रखे बोल के हम जान से एतराज करते कि वो बकरी पाले, बकरियां पाल के क्या करे, घर में खुला छोड़ देने लगे, हमारे अम्मी और हमारे भाभी नमाज पढ़ के जब दानी मास पे बैठे हुए वो बकरियां आके टॉयलेट करके चले गए, हम बोले खाली अच्छे से आके बोले आपकी बकरी है आपके पास ऐसे बन लो ऐसा खुला मत छोड़, इसके अलावा कोई मारा पीटी हुई यहां पे? हां ऐसा होते कि साथी उन्होंने मारने हमला कर दिया, हमारे पास हमला करके शुरू कर दिया, हमारे अम्मी को मार दिए, मुंह फोड़ दिया, खून निकाले, दांत तोड़ दिए मुंह में के, भावच को मारे, बाला उखाड़ दिए सर में के, इतना होने के बाद हम पीएस में कंप्लेंट करे, पुलिस वाले आए समझाए बोले देखो अम्मा जब उन लोग इतना सब होने के बाद उन्होंने बोलते हम लोग करे ये सब हम मारे बोल के बोले बोले तो उन्होंने पुलिस वाले क्या बोले देखो सब इतना करे बोल रहे ना आप लोग झूठ बोल रहे मकान वालों को तो आप खाली कर दो अम्मा कहीं को रहते बोल हम पैसा देने तैयार है जॉब उनके बोल रहे हम लोग होना बोल के चाह रहे असल 12 जत्थों को घुसा के घर में रोज नए आदमी बिठा के उन्होंने मीटिंग कर रहे घर में कर कब्जा करना बोलते उन्होंने और यहाँ के रहने वाले यहाँ के एरिया के है नहीं है यहाँ पूरे के रहने वाले हैं बदमाश है उन्होंने पूरे पुलिस वालों से क्या चाह रहे हम पुलिस वालों से ये चाह रहे
ये सब सुकून से उनका पैसा ले लेना, हमारा बॉन्ड पेपर हमारे को दे देना, बस हमारे उससे बढ़ के कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस वाले भी ये फैसला करे तो हमारे हक में बस होना, ना हम मारते ना तोड़ते ना हमारे मारन थोड़ी कुछ होने का। कंप्लेन करे आप लोग, तीन बार कंप्लेन, चार बार, तीन बार भी पुलिस वाले आके समझा के बोल के गए, देखो अम्मा आप नहीं रहना चाह रहे तो हमें पैसा देना तैयार है, कॉम्प्रोमाइज करके आप लेना चले जाओ बोल के जाके हम दो महीने लॉकडाउन में फिर घर में घुसे, हमारे घुस के हमारे घर हमला करे पुलिस वाले, हटा लेते हमको दो महीने घर में से, हटाने के बाद में भी फिर घर में आके हम तो हमला करे।